それや。अरे यार लाइट मारो ना सर। लाइट है नहीं तू मार ना। देखिए मैं आपको बताऊं मामला क्या है। शुरू हो गया? हाँ, एक मिनट शुरू करिए, शुरू करिए। यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, जल्दी से। हाँ मैं आपको बताऊं कि जहाँ डिवाइन वर्ड आता है वहाँ मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ डिवाइन है, यहाँ पर जिनको चुना जा रहा है उसके साथ में डिवाइन वर्ड जोड़ दिया है। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट बहुत होते हैं, लेकिन इसमें मुझे विशेषता नज़र आई कि ये लोग बहुत अच्छे अच्छे काम इसके पीछे कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इसमें डिवाइन वर्ड मैंने सुना तो मैंने कहा यस, मुझे बुलाएंगे, मैं इसमें पहुंचूंगा। और मुझे उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया, मैं आ गया। दिस इज सेकेंड टाइम, क्योंकि पिछली बार तो चुनाया है इन्होंने और अब इस साल इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इसको शुरू किया है और ये हर साल होगा और आप देखिएगा कि इसका स्वरूप बढ़ता ही जाएगा। जब भी फिनाले या कुछ होगा तो क्या आपका परफॉर्मेंस कुछ देखने मिलेगा? अगली बार परफॉर्मेंस भी होगा और एक पॉप सॉन्ग गाऊंगा। मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ अभी रिकॉर्ड की है, मैंने पूरी भगवद गीता उर्दू में रिकॉर्ड की है। जी हाँ, मोदी जी ने मुझे लेटर लिखा है, बहुत पसंद किया है। अब उनके हाथ से एक बार रिलीज़ हो जाए फिर इसको हर जगह मार्केट करेंगे। पूरा पूरा, अरे हमारा देश का नाम ही हिंदुस्तान है, आप बिलीव नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल खतरे में नहीं है जनाब, हम इसको बना के रखेंगे। सबसे पहले तो जो डिवाइन ग्रुप है, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ को, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में अभी ब्यूटी पेजेंट कोई नई बात नहीं रह गई है, हमारी हर स्टेट में होता है और हमारे पास इतनी खूबसूरती है, तो इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि इंटरनल देखिए, जब ब्यूटी पेजेंट भी कोई बनता है, जीतता है, तो वो भी एक आर्टिस्ट कहलाता है, तो उसके आगे क्या, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं जब आप स्टेज आपका नेशनल से इंटरनेशनल हो जाता है। तो यहाँ से जाना, बाहर लोगों के साथ कम्पीट करना, फिर बाहर के लोग यहाँ आएंगे, तो एक कंपटीशन अपने आप में बनता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है ये कि बाहर के कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि, और इंडिया में कोई ब्यूटी की कमी नहीं है, किसी हिसाब से कमी नहीं है, बहुत है। तो मैं तमाम लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। ऑल द बेस्ट। अभी मैं सबसे पहले मिला हूं, ये मेरा बेटा है राघव ऋषि। हाय। इसकी फिल्म रिलीज़ हो रही है अब खुले आसमान की ओर 24th को, वो एयरफोर्स की एक ट्रू स्टोरी है। तो अभी तो मेरा टाइम इसके लिए जा रहा था, तो मैं सोचता हूँ ये कुछ बताएगा अपनी फिल्म के बारे में।
जी ऑफ कोर्स मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, मेरे पास तो मैं उनसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। फिल्में तो देखता ही हूँ, काफ़ी वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं उन्होंने, जिससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है कि एक करियर ग्रोथ होता है, एक करियर ग्राफ होता है, जो काफ़ी हेल्पफुल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लूँ, मैं ज़रूर लूँगा और मैं लेता भी हूँ, और मेरे पिक्चर के दौरान मुझे काफ़ी हेल्प उनके थ्रू मिली। इनकी एक अच्छी बात यह है कि जो एक जो फिल्म इसने लीड रोल में की है वो एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट परूलकर उनके साथी जो उस वक्त 1917 वॉर में क्रैश हुआ था पाकिस्तान में, वहाँ से लोग एस्केप किए थे, तो वो एक ट्रू स्टोरी है जो उन्होंने लिखी हुई है। तो खुद परूलकर साहब अभी पुणे में रहते हैं एंड स्टिल देयर, उनकी उसकी फिल्म जो इसने की है, मुझे खुशी है इस बात की कि एक ट्रू स्टोरी मिली, एक सोल्जर की कहानी के ऊपर इसने काम किया है। तो शुरुआत में लोग तो कोशिश करते हैं कि बड़ी फिल्म मिले ऐसा हो, तो मैंने जब मौका मिला तो मैंने बोला ज़रूर करो, एक अच्छी कहानी, एक ट्रू स्टोरी है। तो अभी तो मेरा भी ध्यान इसी में है, इसकी फिल्म में है, तो मेरी गुड लक है इसको भी, और उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।